मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दीज आर द टू मेजर्स इन विच वी समराइज द डेटा. एक्चुअल पर्पज इज टू समराइज द डेटा. What is the purpose of data summarization? Ji. Sana Akhtar. What is the purpose of data summarization? जी जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही. देखिए, डेटा समराइजेशन इज बेस्ड ऑन द टू कंपोनेंट्स. वन ऑफ देम मेजर ऑफ central tendency, other is measure of dispersion. Measure of dispersion, and these are the two main measures for descriptive measures. इससे पहले what we have discussed about data and data frequency distribution. And after frequency distribution, graph and charts. So basically, up to now, in detail, our discussion was about frequency distribution, the data, and the types of data, how the graph and charts of the data are prepared, then what is measure of central tendency, and what is measure of dispersion. In the measure of central tendency, we described mean, median, mode, quantile. These are the different measures we have studied for measure of central tendency. And in the measure of dispersion, our discussion was about mean absolute deviation, mean square deviation, standard deviation. Coefficient of variation. So these are different measures. In the first list, we have the measures related with the central tendency. These are the measures related with the central tendency. And these are the measures related with the dispersion. And we are describing descriptive measures. In the descriptive measures,
It is the first segment of descriptive measures. One more thing we will discuss in descriptive measures, and that thing is moment, skewness, and kurtosis. This will be the discussion in the today's lecture. Moment, skewness, and kurtosis. This will be our topic today. Before going to discuss the measure of kurtosis, the measure of skewness, my question was, what is the difference among measure of central tendency, measure of dispersion? इस पे कोई आप में से बात करे, क्योंकि मैंने इसमें काफी कुछ लास्ट टाइम डिस्कशन कर लिया था, लेकिन अभी जो फर्दर डिस्कशन अगर हम अब करेंगे तो वो स्क्यूनेस कर्टोसिस पे करेंगे। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी स्टूडेंट्स में से क्या स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स में कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। जी जरमीन से सवाल है, कोई डिफिकल्टी है इन टॉपिक्स में? जी नो सर। नहीं, चलिए तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई डिफिकल्टी नहीं है तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये क्या होता है? जी जर्मीन। देखिए कोई डिफिकल्टी भी नहीं है और आप समझा भी नहीं पा रहे हैं चीजों को, तो ये तो फिर इससे तो लर्निंग हो नहीं रही लग रहा है आपकी। माहीन आजम से सवाल है, कोई डिफिकल्टी है तो क्वेश्चन कर लीजिए। नो सर, ऐसा तो अभी तक नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक सो यू आर नॉट रेडी फॉर दिस राइट नाउ। ठीक है, इसको ये एक आंसर आया है मेरे पास जिसमें ये बताया है इज अ स्टैंडर्ड, हरीम का आया है ये। देखिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्क ये है कि वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, बस सिर्फ अंडर रूट का फर्क होता है। ये आपका वेरिएंस है, मीन स्क्वायर डेविएशन, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए मैं इस पूरी जो भी अभी टॉपिक चल रहा है इसकी एक समरी आपके सामने पेश करता हूँ कि ये बेसिकली है क्या डिस्पर्शन, क्योंकि ये उमूमन ये सवाल होता है कि हम ये पढ़ रहे हैं तो ये काम क्या आ रहा है हमारे। जो लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट की जानिब से, इसमें देखिए हमने यहाँ से आगाज करते हैं इसका। ये हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए। कैंडिडेट ए ने एक पेपर में 55 मार्क्स लिए, 50 कर लेते हैं, दूसरे पेपर में भी 50 मार्क्स लिए, तीसरे पेपर में 50 मार्क्स लिए, तो मीन कितना हो गया? 50 मार्क्स का मीन हो गया। और वेरिएंस कितना हो गया?
जी सालेहा सनोबर, वेरिएंस कितना हो गया जब ये 50-50 नंबर तीन सब्जेक्ट्स में लिए उसने, ये फिजिक्स में लिए, ये केमिस्ट्री में लिए और ये मैथमेटिक्स में लिए, तो मीन तो 50 आ गया। और मीन के साथ साथ जो वेरिएंस है ये कितना हुआ, ये मैं सवाल कर रहा था किससे, सालिया सनोबर से। जी अपने आप को आप अनम्यूट मैंने कर दिया है, अब आप म्यूट ना करें, इसको आंसर दें इसका। तन्ना अख्तर, कोई भी आंसर दे सकता है जिसको समझ में आ रही है बात। जीरो होगा, सही है, ये आंसर आया महवेश राव की जानिब से। अच्छा एक काम तो ये कीजिए आप लोग, सब लोग चैट बॉक्स में जो इस वक्त प्रेजेंट हैं वो यस लिखकर भेज दीजिए। उसकी वजह ये है कि ये चैट बॉक्स सेव हो जाता है, तो मैं अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स लेने के बजाय फिर मुझे ये आसानी हो जाएगी कि बाय नेम लेकिन आ रहा हो आपका, आपने रीनेम ना किया हुआ अपने आप को, ठीक है। तो ये जितने नाम आएंगे चैट बॉक्स में सेव हो जाएंगे और उससे मेरे पास, मैं इससे अटेंडेंस जनरेट कर लूँगा। और यही काम हम आखिर तक करेंगे, जब क्लास ख़त्म हो रही होगी उस वक्त भी एक दफ़ा अटेंडेंस लेंगे और अभी क्लास के आगाज़ में भी एक दफ़ा अटेंडेंस होगी इस तरह से। तो वेरियस से होता है, इन्होंने ज़ीरो आएगा, सही होता है। अब एक और कैंडिडेट है, कैंडिडेट बी, और कैंडिडेट बी ने लिए जीरो मार्क्स फिजिक्स में, जीरो मार्क्स केमिस्ट्री में और जीरो मार्क्स मैथ में। अब मीन कितना हो गया, मीन हो गया नहीं, उसने लिए 150 मार्क्स मैथ में, मीन कितना हो गया 50। अच्छा इसमें अब आप कहेंगे कि 150 मार्क्स तो हो ही नहीं सकते, 100 नंबर का अगर पेपर है तो हम इसको मार्क्स के बजाय हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसने स्कोर किया क्रिकेट मैच में, स्कोर किया तो ये तो हो सकता है, क्रिकेट मैच में स्कोर किया तो 50 स्कोर किया, फिर एक और में 50 स्कोर किया और फिर एक और में 50 स्कोर किया, लेकिन ये फिर सब्जेक्ट के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया है। मैंने ये एक और कैंडिडेट है, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट सी ने ये किया, 20 स्कोर किया पहले मैच में, फिर उसने 40 स्कोर किया दूसरे मैच में और फिर उसने 90 स्कोर किया तीसरे मैच में। तो इसके भी मीन कितना आ गया, पचास आ गया, और इसका वेरिएंस कितना आ गया, तो इसका वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, दोनों का वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। इसका वेरिएंस अगर हम निकालने जाएंगे तो हम वेरिएंस 0, 0 और 50 का जब निकालेंगे तो यह मैं एक्सेल खोल देता हूँ, जीरो
जीरो 150 है, 0 0 एंड 150। वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया? वेरिएंस डॉट पी, वार डॉट पी, ये वेरिएंस आ गया है, कितना आ रहा है 5000। और एक और कैंडिडेट जो थे जिनका स्कोर 20 और 40 और 90 था, 20 40 और 90 था, इसका अगर हम वेरियंस निकालते हैं वार डॉट पी से, तो ये आता है 866। तो अब मैं तीनों के वेरियंसेस मुझे पता हैं और मैं इन तीनों के वेरियंसेस को उसी टेबल में फिल कर रहा हूं जो मैंने अभी ऊपर एक बनाया था। ये वाला टेबल, इसका वेरिएंस है 5000 और इसका वेरिएंस है 866.6। अच्छा, इसके बाद मैंने एक चीज और भी लास्ट टाइम पढ़ा दी थी, वो थी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थी जो एक चीज और डिस्कस हो चुकी थी। इस एक्सेल में डबल क्लिक करके जाते हैं, अभी एडिट हो जाए। पता नहीं ये मैंने डिलीट किए वो ये ना डिलीट हो गई हो। ठीक है रिदा, मैं समझा देता हूँ वेरिएंस कैसे निकाला है। एक्सेल शीट वो जो मैंने डिलीट किए ना, वो यही वाली शीट डिलीट हो गई, एडिट में नहीं जा रही। चलिए बहरहाल मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको वेरिएंस कैसे निकाला है। वेरिएंस का देखें फार्मूला था, समेशन x माइनस मीन स्क्वायर, और अगर पॉपुलेशन वेरिएंस था तो n से डिवाइड करते हैं और सैंपल वेरिएंस था तो n माइनस 1 से करते हैं, ठीक है। तो इस वेरिएंस निकालने के लिए हमारा डेटा क्या था, हमारा ये इसका निकाल रहा हूँ मैं, इसका डेटा था हमारा 0 माइनस 50, इसका स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस 50, इसका स्क्वायर फिर प्लस 150 माइनस 50, इसका भी स्क्वायर,
और फिर बाद में डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वेरिएंस है तो डिवाइडेड बाय 3, और अगर सैंपल वेरिएंस है तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अच्छा, अब ये कितना हो गया, 50 का स्क्वायर, यूँ 0 में से 50 माइनस किया तो 50 आ गया, 50 का होल स्क्वायर 2500। प्लस फिर ये हुआ क्या, 0 माइनस 50 से ये भी 50 हो गया, माइनस 50 का स्क्वायर ये भी 2500। प्लस ये हो गया 150 माइनस 50 से 100, 100 का स्क्वायर स्क्वायर 10,000 डिवाइड बाय 3। अब ये करके देख लें आप, 2500 प्लस 2500 डिवाइड प्लस 10,000, क्या 5,000 आंसर आ रहा है? तो ये वेरिएंस है आपका। नहीं, ये मैंने सैंपल के लिए बताया था n माइनस 1, सैंपल के लिए बताया था n माइनस 1 और पॉपुलेशन के लिए बताया था n, ठीक है। अच्छा, ये कह रही हैं कि ये कैलकुलेशन में आंसर सही नहीं आ रहा, ये हमने जब ये ऐड किया तो पॉपुलेशन के लिए डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है, एन तो 3 है ना, इसमें 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो एन 3 है, और डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 तो 2 होगा। तो हम अभी पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल लें, इसलिए डिवाइडेड बाय एन कर रहे हैं, एन माइनस 1 नहीं कर रहे हैं। अब आवाज आ रही है मेरी? अगर आवाज आ रही है तो ये चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ठीक है। तो 2500 प्लस 2500 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर हम चेक करने जा रहे थे, एक्सेल मैंने खोली थी कि 2500, 50 का स्क्वायर 100 इनके स्क्वायर करने हैं, फिर इसका सम निकालना है। और इसका सम निकाल के फिर 3 से डिवाइड भी करना है। तो 5000 ही तो आ रहा है बेटा, ये तो कौन मुझे गलत आंसर बता रहा था।
ये तीनों को ऐड किया मैंने, 15,000 आ गया। और 15,000 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर 5,000 हो गया। तो ये आंसर सही है 5,000। और ये यहाँ जो निकाला है ये एक्सेल से निकाला है हमने, और एक्सेल से डायरेक्ट निकालने का फार्मूला क्या था, वार डॉट पी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप, लेकिन ये चीज ना एक टेक्स्ट मैसेज में मुझे भेज दें, मैं अगली के ये 5,000 ही बेटा आंसर आ रहा है और सही आ रहा है। और जब हम ये वाला आंसर निकालेंगे तो देखिए फिर यही करना होगा, 20 माइनस 50, क्योंकि मीन इसका भी 50 है, इसका स्क्वायर प्लस 40 माइनस 50 इसका भी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 50 इसका भी स्क्वायर, और इसको फिर 3 से डिवाइड कर दें। पॉपुलेशन वेरिएंस है इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्सेल में। अगर हम इसको भी ले जाएं जी, ये आपका है 20, 40, 90, और हमने क्या किया है 20 माइनस 50 फिर 40 माइनस 50 उसके बाद 90। अच्छा ये हमारी लाइट चली गई है, मैं इस पे मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, अगर किसी वक्त भी मीटिंग में कुछ इंटरप्शन आए तो ये समझ लीजिएगा कि ये लाइट की वजह से आ रही है इंटरप्शन। 40 माइनस 50 अब नजर आ रही है स्क्रीन बेटा, सही स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, मैंने स्प्लिट कर दिया स्क्रीन, एक साइड पे नोट वन नोट नजर आ रहा है, एक साइड पे एक्सेल नजर आ रही है, तो इसमें वर्किंग में आसानी हो जाती है। अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर में अब आपको दिस पावर 2 और फिर इसको ड्रैग कर लें, इसका सम निकाल लें, ये तो टोटल आ रहा है 2600। तो अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ तो आ गया 2600 और डिवाइडेड बाय 3। तो जब इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे दिस डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 866.3।
सिक्स जो आंसर आ रहा था 866.6 ये मैं वापस इधर ले आता हूँ विंडोज। तो ये अब आपने देखा कि हमने मीन और वेरिएंस निकाली है, लेकिन मैं असल में तो जो चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा था, मीन और वेरिएंस निकालना दोबारा सिखा दिया, खैर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था आपको कि हम किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं, अब वेरिएंस को मीन को। देखें पर्पस क्या बताया था आपको, इसका पर्पस ये बताया था, ये तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, और ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है, ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है, ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है। और सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये सेंट्रल वैल्यू, इसकी सेंट्रल वैल्यू 50 है, इसकी सेंट्रल वैल्यू 50 है, ये रही, इसकी सेंट्रल वैल्यू भी 50 है, ये रही। जब तीनों की सेंट्रल वैल्यू, अगर मैं वेरिएंस छुपा दूं, सपोज वेरिएंस आपको ना नजर आए वक्ती तौर पर, अगर मैं वेरिएंस छुपा दूं तो, और मैं कहूं कि ये डेटा है और ये डेटा भी छुपा दूं, बस सिर्फ आपको ये कहूं कि भाई ये जो मीन है तीन स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ने एवरेज इतना किया है, दूसरे स्टूडेंट ने एवरेज इतना किया है, और तीसरे स्टूडेंट ने एवरेज इतना किया है, मैं सब चीजें छुपा दूं, बस सिर्फ ये रेक्टेंगल जो ही मैंने बनाई है ये आपको शो करूं कि तीनों का मीन 50 है। तो अब आपसे मैं कहूं कि एक टीम में हमें इन तीन प्लेयर में से एक प्लेयर लेना है मीन को देखकर, सिर्फ वेरिएंस को नहीं देखना और डेटा को नहीं देखना, तो आप किसको लेंगे? जी कोई जवाब देगा? तीन कैंडिडेट्स हैं, तीनों कैंडिडेट में से तीनों का मीन है 50, और तीनों में से एक कैंडिडेट को चूज करना है, आप किस कैंडिडेट को चूज करेंगे? मोहम्मद कासिम। बेटा ए को क्यों करेंगे? सर तीनों का सेम है, तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। ये सही आंसर है। ये अलेशबा आप बताइए कि आपने ए को क्यों चूज किया है? अलेशबा देखें, तीनों का जब मीन सेम है तो हम ये कहेंगे कि ए या बी या सी किसी को भी चूज कर सकते हैं, अगर सिर्फ मीन को देख रहे हैं तो, क्योंकि मैंने कहा था मीन, अभी ये मैंने आपको सिर्फ मीन ही बताया, अभी आप दूसरी चीजों की तरफ, अभी फिलहाल जब मैं अलग सिलेक्शन कर रहा हूं तो आप इसको मीन पे फोकस करें, वेरियंस पे ना करें, फिर आपको ये समझ में आएगा तीनों का मीन बराबर है तो मैं किसी को भी ले लूं इसमें से। तो इन्होंने सही आंसर दिया है, लेकिन वेरिएंस मुझसे ये कह रहा है कि ये जो वेरिएंस है जीरो, और ये जो वेरिएंस है 5000, और ये जो वेरिएंस है 866, इसका वेरिएंस सबसे हाई है, ये शायद जाहिर करता है इनकंसिस्टेंसी को। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी क्या है? मोस्ट इनकंसिस्टेंट, इसको अगर मैं यहां पे लिख दूं, मोस्ट इनकंसिस्टेंस, और हाईली कंसिस्टेंट, इसके लिए मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा
हाईली कंसिस्टेंट, और ये क्या है, ये मीडियम पे आ जाएगा, मीडियम कंसिस्टेंट। तो इसमें हाईली कंसिस्टेंट को हम इसको यूं प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर मैं ये कहूं कि ये अगला मैच खेलेगा उसमें क्या स्कोर करेगा, तो मैं यहां से प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वो 50 स्कोर करेगा। क्यों प्रेडिक्ट कर रहा हूं 50 स्कोर करेगा और इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह रहा हूं? उसकी रीजन ये है कि मीन 50 है और वेरिएंस 0 है। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये अगला मैच खेलने जाएगा तो वी आर हाईली कॉन्फिडेंट दैट इट ही विल स्कोर 50 इन दैट। ये प्रेडिक्शन है इसकी। तो हम मीन को प्रेडिक्ट कर देते हैं कि, और मीन को प्रेडिक्ट करने में एक्यूरेसी कहाँ से लाते हैं? वेरिएंस से एक्यूरेसी लाते हैं। तो हाईली एक्यूरेटली वी कैन प्रेडिक्ट कि ही विल स्कोर 50 इन द नेक्स्ट मैच। अच्छा, अब मैं इसको देखूं, इसका वेरिएंस, तो ये मीन को देख के अगर मैं प्रेडिक्ट करूंगा तो मैं कहूंगा हाँ जी मीन जो है वो 50 है तो ये 50 बना लेगा, लेकिन कम चांसेस हैं बहुत, क्योंकि वेरिएंस बहुत हाई है, सबसे ज्यादा हाई है। हो सकता है दो मैचेस में 50 बना के, 0 बना के आया है। हो सकता है कि अगले मैच में भी 0 बना के आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है इसमें। तो इसमें श्योरिटी बहुत कम है, जिसमें श्योरिटी कम है उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है। जैसे इनकंसिस्टेंट को हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे समवन इज नॉट कीन टू डू दैट, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट नहीं है। कभी वो बहुत ही इनहिमाक से काम कर लेता है, बहुत ही डेडिकेशन से काम कर लेता है, कभी उसकी तवज्जो बिल्कुल नहीं होती। जैसा कि मैं 5 क्विज लूं, एक स्टूडेंट ऐसा है जो एक क्विज में तो बहुत पढ़ के आ गया, उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए, और बाकी क्विजेस के अंदर उसके कभी अच्छे आ रहे हैं कभी बुरे आ रहे हैं। तो ये जो कभी अच्छे आ रहे हैं कभी बुरे आ रहे हैं, ये क्या है? इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इसी तरह से अगर थ्रू आउट बुरे आ रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, थ्रू आउट बुरे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें एक कैंडिडेट बढ़ा दूं, अगर एक कैंडिडेट मैं इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ, और वो मैं जो कैंडिडेट इंक्रीज कर रहा हूँ ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, जो चीज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ वो ये एक और कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट डी है, और कैंडिडेट डी क्या कर रहा है? ये पहले मैच में 0 करके आया है, दूसरे में 0 करके आया है, तीसरे में 0 करके आया है, मीन 0 है इसका और वेरिएंस भी 0 है, क्योंकि सेम नंबर्स का वेरिएंस 0 होता है। ये भी सेम नंबर्स थे तो वेरिएंस 0 है, ये भी सेम नंबर्स है। तो जब मैं प्रेडिक्ट करूंगा तो इसकी प्रेडिक्शन क्या बनेगी? इसकी प्रेडिक्शन बनेगी 0 करके आएगा, इसकी प्रेडिक्शन बनेगी 50 करके आएगा, इसकी प्रेडिक्शन बनेगी 50 करके आएगा, इसकी प्रेडिक्शन बनेगी ये 50 करके आएगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन बहुत हाई है, हाईली एक्यूरेट है, ये प्रेडिक्शन भी बहुत हाईली एक्यूरेट है। ये दो जो प्रेडिक्शन है ना, ये बहुत हाईली एक्यूरेट है। मैं यहाँ क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ? ये 50 बना के आएगा, यहाँ क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ? 0 बना के आएगा, लेकिन चूंकि वेरिएंस 0 है, इसका वेरिएंस भी 0 है, इसका मतलब है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इसको टीम में शामिल ना करूँ, क्योंकि ये इसका मीन 0 है, इसका वेरिएंस 0 है, इसका मतलब इसे कुछ खेलना नहीं आता, अगले मैच में खिलाऊंगा ये 0 करके आएगा। लेकिन यहाँ पे मीन 50 है, वेरिएंस 0 है, इसका मतलब हाईली कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले मैच में जाएगा 50 करके आएगा। तो ये जो दो प्रेडिक्शन है ना, ये बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। सबसे पुअर प्रेडिक्शन इसमें इसकी है,
ये 50 करके आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. रीजन रीजन ये है कि इसका वेरिएंस सबसे हाई है और इसका जो वेरिएंस है ये मॉडरेट है. तो ये जो जो एवरेज सिचुएशन है ना, देखें वो ये होती है. ये बहुत कम सिचुएशन रियल लाइफ में ऐसी होती है कि हर आदमी एक काम करे और वो एक जैसा ही काम करता चला जाए. ये भाई बहुत कम सिचुएशन होती है कि हर आदमी काम करे और बिल्कुल एक जैसा करता चला जाए. तो रियल लाइफ में इसकी पॉसिबिलिटीज कम है लेकिन हो सकती हैं. सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रियल लाइफ में ये होती है, ये बीच सी वाले की है. सी वाले की पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका मीन 50 है और इसका जो वेरिएंस है वो 8866 है. ठीक है ना. तो ये मीन और वेरिएंस इसका दोनों दरमियानी पोजीशन पर आ रहे हैं, लेकिन इसका मीन बहुत ही दरमियानी पोजीशन पर है, वेरिएंस जीरो है, इसका वेरिएंस जीरो. तो इससे आपको अंदाजा हुआ, देखें मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेटा एनालिसिस में दोनों को यूज करके हम प्रिडिक्ट करते हैं. अगर हम दोनों को देखकर प्रेडिक्शंस करेंगे तो हमारी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी आएंगी. और अगर हम किसी एक को, जैसे सिर्फ मीन को देखकर अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारी प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगी. तो कंक्लूजन ये बना कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द मीन, whenever we are going to predict the score of a person, we should have to trust over the mean. If the variance is very low, if the variance is very high, then the prediction over the mean is not too accurate. ye zyada accurate nahi hogi aapki. acha, is discussion ko main yahan conclude karta hu mean aur variance ke. chat box mein mujhe likh kar bataiye ki koi ab isme पॉइंट ऐसा है जो मजीद समझ नहीं आ रहा, जो मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूं. जी अच्छा, लाइट आ गई है, मैं जरा चार्जर इतनी देर में लगा लूं. आप क्वेश्चंस यहां पे चैट बॉक्स पे डाल दीजिए. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, यहां इसको चेंज कर रहा हूं जरा इंटरनेट कनेक्शन को. अच्छा जी, आप में से किसी को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का पता है कि ये क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? अच्छा, ये कुछ सवालात आ रहे हैं कि प्रिडिक्शन करना जरूरी होगी और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर किसी ने दिया है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं. नहीं, ये सही नहीं है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम इसको नहीं कहते. ये रोहान ने सही आंसर दिया है, सिग्मा अपॉन मीन को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो देखिए, ये जो जो एक ने सवाल किया है कि प्रेडिक्शन करना जरूरी है, जी इसका कोई आंसर दे सकता है कि प्रेडिक्शन करना जरूरी है? डेटा एनालिसिस का जो एक्चुअल पर्पस है वो ही है यही प्रेडिक्शन.
कि हम ये मिसाल के तौर पर 10 दिन से बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी, या मौसम या टेम्परेचर कितना था, चलिए यूं समझ लीजिए, पहले दिन टेम्परेचर कितना था, दूसरे दिन कितना था, तीसरे दिन कितना था, 10 दिन का टेम्परेचर मेरे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 10 दिन का टेम्परेचर। अब 11वें दिन टेम्परेचर क्या होगा मुझे तो नहीं पता, 11वां दिन जब आएगा थर्मामीटर नोट करेगा तो समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं अब कि भाई 11वां दिन क्या होगा, तो 11वें दिन के लिए मैं ये करूं कि ये 10 दिन का मीन निकाल लूं और ये अज्यूम कर लूं कि जो 11वें दिन होगा वो मीन होगा। बहुत कॉमन सी बात है ना ये, कि आप ये कह रहे हैं कि आपने पिछले 10 दिन के अंदर जिस तरह से भी परफॉर्मेंस की, तो 11वें दिन की जो परफॉर्मेंस होगी वो मैं मीन से प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। तो प्रेडिक्शन जरूरी क्यों है, जरूरी तो है प्रेडिक्शन, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास पिछले 5 साल में हर महीने का एवरेज बजट इतना था, तो अगले महीने का मेरा बजट कितना होगा, एक्सपेंसेस मेरे कितने होंगे। तो मैं क्या करूं, वो हर महीने का बजट निकाल के हर महीने का बजट का मीन ले लूं, तो मेरे अगले महीने का जो बजट है वो उसी मीन को ही मैं अज्यूम कर लूं कि ये मेरा प्रिडिक्टेड बजट है, और मेरे पास कम से कम इतने पैसे होने चाहिए जब जाके मैं अगला महीना रन कर सकूंगा। तो इसलिए प्रिडिक्शन जो है इसकी बड़ी अहमियत है डेटा में, और डेटा में प्रिडिक्शन करने के लिए, अब जो प्रिडिक्शन कर ली मैंने कि भाई मुझे जो है वो तकरीबन 70,000 रुपए चाहिए ये अगले महीने में, ये तो मैंने प्रिडिक्शन कर ली। कहाँ से? ये मैंने प्रिडिक्शन कर ली मीन से, कि वो जो मेरे पास गुज़िश्ता 10 महीने का खर्चों का ये पड़ा हुआ था चार्ट या डेटा, इससे मैंने मीन निकाल लिया और मीन पता चला कि जी मुझे 70,000 अपने ग्रॉसरी पे और अखराजात पे ये मुझे चाहिए। लेकिन देखें, ये प्रेडिक्शन उतनी एक्यूरेट होगी अगर ये वैल्यूज जो हैं वो 70,000 के करीब होंगी, ये भी 70,000 के करीब होगी, यानी जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 70,000 हो, ये हो गई 69,000, ये हो गई 72,000, ये हो गई 65,000। तो कुछ वैल्यूज 60 से बड़ी हैं, 70 के करीब हैं, सारी वैल्यूज 70 के करीब हैं। तो जब मैं मीन निकालता हूं तो मीन 70,000 आ जाता है। अगर ये वैल्यूज सारी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, 72 के 70,000 के बहुत क्लोज हैं अगर ये वैल्यूज, तो वेरिएंस बहुत छोटा आएगा, और अगर ये सब 70,000 है तो वेरिएंस जीरो आएगा। तो वेरिएंस जीरो आने का मतलब ये मुझे एग्जैक्ट पता है कि मेरे हर महीने 70,000 रुपये खर्च होते हैं, तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ इससे अगले महीने में मेरे 70,000 खर्च होंगे। तो ये प्रेडिक्शन है। तो आपकी प्रेडिक्शन कब एक्यूरेट होती है, जबकि मीन जो है उसको हम यूज कर रहे हो एज ए प्रेडिक्शन, और जो आपका वेरिएंस है वो बहुत छोटा हो। अगर वेरिएंस छोटा है तो आपके प्रेडिक्शन। आप लेकिन दूसरी केस देखिए, एक शख्स है, एक महीने में वो 2 लाख रुपए खर्च कर देता है, ठीक है, एक लाख, जो एक स्टूडेंट जो है वो 50,000 खर्च, एक महीने में वो 50,000 खर्च कर देता है, एक महीने में वो 90,000 खर्च कर देता है। तो किसी महीने में बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, किसी महीने में बहुत कम खर्च कर रहा है। जब मीन निकाल रहे हैं तो 70,000 आ रहा है, हम प्रेडिक्ट तो मीन से ही करते हैं, तो इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन होगी। इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन क्यों होगी, इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन इसलिए होगी क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कम और ज्यादा होने की वजह से उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ये किसी ने सवाल लिखा है कि भाई आजकल की सूरत हाल में तो जाहिर है इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये एब्रप्ट सिचुएशन है। देखें, ये सही कह रहे हैं आप कि इस पे हम मीन का जो प्रेडिक्शन है वो नहीं लगा सकते इस पे। उसकी वजह ये है, मीन की प्रेडिक्शन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो इस वक्त क्राइसिस आए हैं ये एब्रप्टली आए हैं, ये कोई सीक्वेंशियल क्राइसिस नहीं है। तो हर शख्स का जो मंथली बजट था, जो मंथली इनकम थी,
अगर वो इसकी वजह से इफेक्ट हुई है। देखें सबकी इफेक्ट नहीं हुई है, इफेक्ट उन लोगों की हुई है जो डेली वेजेस पे अपने शॉप्स थी, जिनके बिजनेसेस थे, उन लोगों की इफेक्ट हुई है। जो लोग एम्प्लॉयज थे, परमानेंट एम्प्लॉयज थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मल्टीनेशनल में, उनकी इफेक्ट नहीं हुई है। तो इसलिए हमें एडवांटेज क्या है उन लोगों के, तो ये एक ऐसा क्राइसिस है कि हम इसको इस प्रेडिक्शन मॉडल में लाते हैं, लेकिन इससे प्रेडिक्शन खराब हो जाती है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। जैसे आउटलायर बताया था कि सब जगह पे जो इनकम आ रही थी वो 70,000 के करीब आ रही थी, लेकिन इस एक महीने के अंदर किसी का बिजनेस नहीं चला, उसकी इनकम जीरो हो गई। तो अब बाकी सब जगह हर महीने में उसने 70,000 कमाए, यहाँ 65,000 कमाए, यहाँ 75,000 कमाए, तो 70-75 तक वो उसकी इनकम थी हर महीने की, लेकिन एक महीना ऐसा आ गया मार्च अप्रैल का ये जिसमें उसकी आमदनी जीरो हो गई। तो हम इसको क्या कहते हैं डेटा में, तो ये अच्छी एग्जांपल देखो इसी से बन गई है ये जो इन्होंने इसको डाला, हालांकि इन्होंने किसी और पर्सपेक्टिव में सवाल डाला था, लेकिन ये इसकी एक बेहतर एग्जांपल बन गई कि आपको डेटा एनालिसिस में भी ये समझ में आ रहा है कि आउटलायर को हटा देते हैं, इसीलिए हटाते हैं आउटलायर को, इसको हटा देंगे क्योंकि ये क्या करेगा, मीन खराब कर देगा। आप करके देखिएगा कि एक दफा जीरो हो गई आमदनी और बाकी दो महीने में अगर 70,000 हो गई, दफा मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखिए कितना खराब हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, 70,000 थी, फिर एक और महीने में भी 70,000 थी, मैं 10 महीनों का डेटा नहीं ले रहा, सिर्फ 3 महीनों का डेटा ले रहा हूँ, और एक महीने में जीरो हो गई। अब मैं जब मीन निकालूंगा तो आप देखिए क्या होगा मीन इसका, इन तीन नंबर्स का 46 हो गया। लेकिन अगर ये क्राइसिस ना आते तो ये इस शख्स की आमदनी तो तीनों महीनों में 70,000 रुपए होती, और जब मैं एवरेज निकालता तो आप देखिए कितनी हो जाता एवरेज, एवरेज इसका 70,000 हो जाता। और अगर मैं इसका वेरिएंस निकालता वार डॉट पी से इन तीन वैल्यूज का, तो इसका वेरिएंस आ रहा था 1088, और इसका वेरिएंस क्या आएगा, इसका वेरिएंस आएगा जीरो। तो देखिए आप जीरो आ रहा है। तो अब मैं कंक्लूजन क्या लूंगा, मैं कंक्लूजन ये लूंगा कि ये जो चीज है ना, ये तो बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगले महीने में इसकी इनकम कितनी होगी, 70,000 होगी। लेकिन अब यहाँ वेरिएंस इतना हाई आ रहा है, जब मैं कह रहा हूँ इसकी इनकम कितनी होगी, 46,000 होगी, लेकिन वेरिएंस बहुत हाई होने की वजह से 46 हो। तो ये जो एक नंबर है इसमें, इसको मैं कहूँ अगर कि ये हमारा जो है वो आउटलायर है, इसे रिमूव कर दूँ, इसे मैं रिमूव कर दिया आउटलायर को। मैंने शुरू में सिखाया भी था आपको आउटलायर बॉक्स प्लॉट बना के हम देखते हैं। तो अगर मैं इसे डिलीट करके फिर मीन निकाल लूँ, तो अब आप देखिए मीन निकाल रहा हूँ मैं, लेकिन अब मीन तीन नंबर्स का नहीं निकाल रहा, अब मैं मीन निकाल रहा हूँ दो नंबर्स का आउटलायर को हटा के। तो मीन का फंक्शन लगा दूं एवरेज का, और एवरेज आउटलायर को हटा के निकाल रहा हूँ, अब 70,000 आ गया, और वेरिएंस भी वही आएगा। आप देखिए वेरिएंस डॉट पी किया मैंने, तो वेरिएंस डॉट पी से फिर ये जीरो आ गया। तो इसका मतलब है ये डेटा और ये डेटा दोनों एक जैसे ही डेटा हो गए, लेकिन इसमें एक नंबर ये जो जीरो था ये आउटलायर था, इसको हटा दिया, और इसको हटा के फिर हमने, क्योंकि ये जो लॉकडाउन खत्म होगा तो इसकी इनकम फिर दोबारा से इंशाल्लाह 70,000 पे चली जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो क्राइसिस के मंथ थे ना, ये क्राइसिस के मंथ हम रिमूव कर दें इसमें से, जिसको आउटलायर कहते हैं। तो ये आउटलायर अब आपको मेरे ख्याल से समझ में दोबारा आ गया होगा, जो मैंने हमने पहले भी समझाया था अलग आउटलायर, लेकिन आउटलायर को अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देख ली कि आउटलायर कैसे होता है, क्या होता है ये। अच्छा, ये प्रेडिक्शन मीन होती है, लेकिन प्रेडिक्शन मीन के अलावा भी हो सकती है। मीन के अलावा प्रेडिक्शन देखें कैसे होती है, जैसे मैं यूं कहूँ कुछ डेटा, हर डेटा पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा है, ये डेटा है मेरे पास जनवरी फरवरी दिसंबर तक का, 12 महीनों का डेटा है ये, ठीक है। अच्छा, डेटा क्या है, डेटा ये है कि ये जिस साहब का भी बिजनेस है, जो ये मैं जिस वक्त डेटा लिख रहा हूँ, इनका बिजनेस है सपोज
ब्लैंकेट्स बेचने का बिजनेस है, इनका शॉप है ब्लैंकेट्स की। तो जब ब्लैंकेट्स की शॉप है तो इनकी जो शॉप है यहाँ, तो इनको बहुत अच्छी आमदनी हो गई जनवरी में, फरवरी में भी अच्छी हो गई, दिसंबर में भी अच्छी हो गई, लेकिन जब गर्मियां आई जून जुलाई, तो इनकी जो सेल थी ना वो 20 तक पे रह गई, 20,000 30,000। तो आप देखिए कितना फर्क आ रहा है, क्योंकि और ये इसी तरह से जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी ये इनकी सेल कम 80-90 से कम होते होते ये नीचे आ जाएगी, देखिएगा आप। और ये जैसे जैसे दिसंबर की तरफ जाती जाएगी रफ्ता रफ्ता सेल बढ़ती जाएगी। तो आप यह देख रहे हैं, इसमें पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न क्या है इसमें? इसमें पैटर्न ये है कि कुछ महीने ऐसे हैं जो विंटर के हैं, उसमें डेफिनेटली ब्लैंकेट ज्यादा बिक रहे थे, और जब गर्मी आने लग गई तो वह ब्लैंकेट कम बिकने लगे। जब मैं मीन निकालता हूँ तो अब मैं प्रेडिक्शन समझा रहा हूँ। देखिए एक तो ये प्रेडिक्शन है कि मैं एवरेज निकाल लूँ सबका और मैं कहूँ उसको प्रेडिक्ट कर लूँ, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि हम जनवरी की प्रेडिक्शन जनवरी में करेंगे। अगर ये डेटा है 1999 का और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 2021 के लिए, तो 2021 की जो प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन को मैं ये कहूं कि ओवरऑल मीन को प्रेडिक्ट करने के बजाय मैं ये कहूं जनवरी की प्रेडिक्शन जनवरी में होगी, यानी 2021 में जनवरी के अंदर 90,000 और फरवरी के अंदर 80,000। या मैं और आसान कर लूं इसको कि इसके बजाय इसके हर एक के अलग अलग मीन मंथ के लेने के, मैं ये करूं कि विंटर का एक मीन निकाल लूं, विंटर के महीनों की सेल का, और समर के महीनों की सेल का एक और मीन निकाल लूं। तो जो विंटर के मंथ हैं उन्हें मैं प्रिडिक्ट कर लूं विंटर के मीन से, और जो समर के मंथ्स हैं उनको मैं प्रिडिक्ट कर लूं समर के मंथ से, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए प्रिडिक्ट करने के लिए मीन ही को इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी मीन है लेकिन मीन हमने स्प्लिट कर दिया है सीजन वाइज, क्योंकि जो इसका बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है। तो इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन और वेरिएंस देखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वक्त दुनिया चली सारी मीन और वेरिएंस पे रही है, क्योंकि जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो सब की सब मीन और वेरिएंस को मिलाकर ही हैं ये, ठीक है। तो इसमें अब हम ये करते हैं, ये मीन और वेरियंस को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आगे अब हम स्क्यूनेस कर्टोसिस पे जाएंगे, लेकिन इसमें 10-15 मिनट का एक ब्रेक कर लेते हैं, और उस ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा आएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा जो टॉपिक्स हैं इन्हें रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ मैं कोई नोटबुक लेके बैठूंगा, फिर मैं क्वेश्चन आंसर बाय नेम करता हूँ, आप लोग अटेंटिव नहीं होते हैं, मैं वही अपने पास नोट कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो अभी क्विज और असाइनमेंट्स के मार्क्स मुझे सबमिट करने हैं तो मैं इसी की बेसिस पे करूंगा कि आप कितने अटेंटिव हैं, कितने सवालात के जवाब आप दे रहे हैं। तो 15 मिनट के लिए आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए चीजों को, और फिर मैं 15 मिनट के बाद कनेक्ट करूंगा। तो इस वक्त मेरे पास 11:08 हो रहे हैं, ठीक 15 मिनट के बाद मैं दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लूंगा। रिकॉर्डिंग कर दी मैंने, ठीक है। 1-1/k2, तो 1-1/k2 को हम कैसे लेके चलेंगे? 1-1/k2 को हम लेके चलेंगे, ये k है, ये जो यहाँ नंबर लिखे हुए ना, ये 1, 2, 3 ये k है। अच्छा चेबीशेव में यहाँ ये k लिखते नहीं है तो खाली कर ले, n a ये नहीं होता, वन स्टैंडर्ड डेविएशन चेबीशेव में नहीं होता, ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मैं अगर 1 रखूंगा फार्मूले में तो 0 आ जाएगा, आप देखें, इसलिए 1 नहीं रखते, ये 2 से डिफाइन किया हुआ है। जब हम 2 रखेंगे तो अभी मैंने बताया था 75 आता है, और जब हम 3 रखते हैं तो 3 के ऊपर आता है 8/9। 8/9 का मतलब हुआ 88.8%, यहाँ आ गया 88,
0.9%। और अगर मैं 4 रख दूं तो 1 माइनस 1/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/16, कितना आएगा 93%। और आगे बढ़ा दिया 93%, पॉइंट में भी है कुछ 93.7%। अभी भी देखें वो 99 को कवर नहीं कर रहा, ये 99 पे 3 पे आ गया, ये 3 पे कहाँ पहुंचा 88.9, और 4 पे या निकालते ही नहीं हुए, जब यही 99 हो गया तो 4 की क्या जरूरत है, और ये क्या हो गया 93.75 हो गया ये। और अगर मैं इसको, ये अब मैंने काई पे निकाला था, मीन प्लस माइनस 4 स्टैंडर्ड डेविएशन पे निकाला था ना, ये वाला मीन माइनस 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हो गया मीन प्लस 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये 99 हो गया। अब अगर मैं 5 पे निकालने जाऊंगा तो 1 माइनस 1/5 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5 स्क्वायर का आंसर 1 माइनस 1/25, 5 स्क्वायर का मतलब 25, तो ये अब 96 हो रहा है, ये हो रहा है कितने परसेंट 96%। इसके सामने रखना 96%। और अगर मैं 5 और 6, 5 रख दिया, मैंने 6 रख दूं तो 6 6 36, 1 माइनस 1/6 का स्क्वायर 36, सॉरी गलत कर दिया फॉर्मूला, 1 माइनस 1/36, तो 97 को मीट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये 6 सिग्मा पे जाके 97 आया, ये 3 सिग्मा पे ही 99 आ गया, तो 100% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, ये एक्यूरेसी है कि आपकी जो प्रोडक्शन की जो हम कहते हैं 6 सिग्मा का मतलब है 97% एक्यूरेट प्रोडक्शन हो रही है। और अगर मैं और बड़ा कर दूं 7 सिग्मा कर दूं तो वो, तो आप देख रहे हैं ये बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये 3 दफा में ही जो है वो आ गया है ये। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जो एम्पिरिकल रूल है और ये चेबीशेव रूल है, ये एक ही तरह का काम कर रहे हैं कि ये हमें मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर्स देते हैं, लेकिन ये आंसर्स हम क्या करते हैं, हम ये आंसर्स एक्यूरेसी में यूज करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है। और अगर एक्यूरेसी जब एम्पिरिकल रूल हम कब लगाते हैं, जब बेल शेप्ड होता है, और चेबीशेव कब लगाते हैं, जब राइट स्क्यूड हो तब भी लगा सकते हैं, और जब लेफ्ट स्क्यूड हो उस वक्त भी लगा सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन पे हम ये लगा सकते हैं। अच्छा ये एक बात बता दूं, तो ये हमें एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी देता है, इसका मतलब ये जो 75% कह रहा है ना, 75% या इससे ज्यादा, 88% या इससे ज्यादा, 99% या इससे ज्यादा, और ये 96% या इससे ज्यादा, तो ये बेसिकली हमें मिनिमम की प्रोबेबिलिटी दे रहा होता है, ठीक है, ये हमें मिनिमम की प्रोबेबिलिटी दे रहा होता है, ये परसेंटेजेस मिनिमम परसेंटेजेस चेबीशेव थ्योरम में, लेकिन यहाँ ये एक्यूरेट परसेंटेजेस हैं। मिनिमम का मतलब ये इससे ज्यादा आ सकती है परसेंटेज, इससे कम नहीं आएगी एक्यूरेसी, इससे ज्यादा आ सकती है इससे कम नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, रिकॉर्डिंग तो हो रही है इसका। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब हम देखें एम्पिरिकल रूल्स भी समझ में आ गया, चेबीशेव भी समझ में आ गया, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
ये फिर चेबीशेव थ्योरम से वो परसेंटेजेस निकाल के दिखाई गई हैं उसी एचडीएल और एलडीएल वाले की। हम बहरहाल अगले टॉपिक पे आ रहे हैं और अगला टॉपिक है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की टर्म क्या है? रेफर टू द लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री इसको कहते हैं, देखो ये सिमेट्री है, दोनों साइड पे बैलेंस शेप को हम सिमेट्री कहते हैं। जब हम यहाँ से इसे कट करेंगे ग्राफ को तो इसकी जो दो साइडें बनेंगी बिल्कुल आइडेंटिकल बनेंगी, इसे सिमेट्री कहते हैं। तो लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? जहाँ सिमेट्री की वायोलेशन हो जाए तो उसे हम लैक ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और लैक ऑफ सिमेट्री स्क्यूनेस को कहते हैं। तो ये स्क्यूनेस है, ये राइट स्क्यूनेस है, ये लेफ्ट स्क्यूनेस है, और ये नो स्क्यूनेस है, यानी स्क्यूनेस है ही नहीं, इसमें स्क्यूनेस है। और इसकी इसकी डिग्री भी होती है, देखिए डिग्री क्या होती है, ये बहुत हाई स्क्यूनेस है क्योंकि ये बहुत पी, और ये बहुत लो स्क्यूनेस है, यानी ये ग्राफ और ये ग्राफ आपको एक जैसा लग रहा है लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़ा सा राइट स्क्यूड है, स्लाइट। तो तीन डिग्री हो गए, स्लाइटली राइट स्क्यूड, स्ट्रॉन्गली राइट स्क्यूड और मॉडरेटली राइट स्क्यूड, ठीक है ना। तो ये राइट स्क्यूड की तीन कैटेगरीज बन गई, इसी तरह लेफ्ट स्क्यूड की भी तीन हो सकती हैं। इसको मैं कहूंगा एक्सट्रीमली लेफ्ट स्क्यूड, बहुत आगे तक जा रहा है लेफ्ट साइड पे, और इसको मैं कहूंगा मॉडरेटली लेफ्ट स्क्यूड, और ये बहुत माइल्ड। अगर हल्का सा मैं इधर से बना दूं, बहुत मामूली सा लेफ्ट बड़ा है तो मैं इसको कहूंगा माइल्ड लेफ्ट स्क्यू, यानी थोड़ा सा लेफ्ट स्क्यूनेस से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस किसे कहते हैं? लैक ऑफ, ये एक छोटी सी डेफिनेशन देखें, याद रखेंगे ये रही, यहां से लेके लैक ऑफ सिमेट्री, बस ये तीन लफ्ज हैं, तीन अल्फाज हैं, ये लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। लैक ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? जैसे हम कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो जिसमें सिमेट्री की कमी हो उसे हम स्क्यूनेस कहते हैं। ये सिमेट्री है, इसकी कमी कैसे होती है? इसकी कमी है नहीं, कम हो जाए साइड, एक साइड ज्यादा हो जाए तो ये स्क्यूनेस कहलाती है। नेगेटिव स्क्यूनेस भी समझा दिया आपको और पॉजिटिव स्क्यूनेस भी समझा दिया आपको। जो बेल शेप्ड कर्व है ये सिमेट्रिकल है और ये इसमें हम कहते हैं स्क्यूनेस नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं स्क्यूनेस, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड समझा दिया। ये सिमेट्रिकल की ग्राफ नजर आ रही है, सिमेट्रिकल के अंदर ये होता है, ये कब होता है? ये मीन और मोड बराबर होते हैं और इनको मिला के हम कहते हैं असिमेट्री, ए लगा देते हैं, बाकी वही स्पेलिंग है। असिमेट्री क्या है? ये है, ये भी असिमेट्री है, ये पॉजिटिव साइड पे असिमेट्री है, ये नेगेटिव साइड पे असिमेट्री है। तो इसमें मीन मीडियन मोड की पोजीशंस को समझना होता है असिमेट्री में, मीन छोटा होता है या मीडियन छोटा होता है, मोड होता है। इसको अब मैं अगले ग्राफ से समझाता हूँ कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। ये तो कुछ फार्मूलाज आ गए हैं लेकिन मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, और ये ग्राफ मैं वहां बना रहा हूँ, वन नोट के ऊपर बना रहा हूँ। एक तो ये सिचुएशन, सिचुएशन में क्या कहेंगे? सिचुएशन में कहेंगे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड,
यानी एक ऐसे डेटा का जो सिमेट्रिकल डेटा हो, मैं मीन निकालूं, मीडियन निकालूं, मोड निकालूं, सब बराबर आएंगे। अच्छा, ऐसे डेटा की भी एग्जांपल देखें, लिख देता हूं। डेटा ये सिमेट्रिकल डेटा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 15, इसकी फ्रीक्वेंसी 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 11, 12। अब देखें, मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल पूरा कर दिया। जरूरत नहीं बस, ये पूरा हो गया। ये है एक्स की वैल्यूज और ये है एफ की वैल्यूज। ठीक है, आमने सामने है बिल्कुल। ये 7 के सामने ये 8 है और इस 8 के सामने 15 है और इस 9 के सामने ये 8 है और इस 10 के सामने ये 5 है और इस 11 के सामने ये 2 है। यहाँ से देखें, अगर मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ तो हिस्टोग्राम मुझे क्या जाहिर कर रहा है? हिस्टोग्राम ये जाहिर कर रहा है कि मैं एक्स एक्सिस पे तो ये बना लूँ, क्या बना लूँ एक्स एक्सिस पे, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ गया। अच्छा, अब यहाँ हाइट कितनी है? 2, ये 2 हाइट। यहाँ हाइट कितनी है? ये भी 2, बिल्कुल बराबर बनेगा। जितना ये हाइट पे बना है सेम हाइट पे ये भी बनेगा, ये 2 हाइट हो गई। फिर 6 पे हाइट कितनी है? 5, ये 5 हाइट पे बनेगा। और यहाँ पे भी 10 पे हाइट कितनी है? ये भी 5, तो ये भी बराबर हाइट बनेगी। जितना ऊंचा ये होगा बार, उतना ऊंचा ये होगा। फिर 7 पे हाइट कितनी है? 8, 8 हाइट बनेगी 7 पे। और 9 पे हाइट कितनी है? ये भी 8, तो ये दोनों की भी बराबर हाइट बनेगी। और फिर 15 हाइट है बीच में। देखें, ये जो बनता है ना ऐसा हिस्टोग्राम, ये बेल शेप्ड होता है। तो आपने देखा, डेटा मैंने लिखा और डेटा बेल शेप बनाया। तो बेल शेप डेटा की खासियत क्या होती है? जैसे मीन मीडियन मोड के जब मैं आंसर निकालता हूँ, आप इस डेटा का निकाल के देख लीजिएगा, इसका जो मीन आएगा वही इसका मीडियन आएगा, वही इसका मोड आएगा, इसके तीनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने इसको तो इरेज कर दिया। इसके अलावा आप राइट स्क्यूड में देखिए क्या होता है। ये मैंने ग्राफ बनाया राइट स्क्यूड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसे मोड कहते हैं। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है,
तो ये मोड है, ये मोड है। और मीडियन बीच में होता है, ये मीडियन है। ये मीन है इसका। तो छोटा कौन सा है, मीन छोटा है या मोड छोटा है? तो इसमें पता ये चला, यहाँ मैं ये ऐसे टाइप करो, यहाँ पे मोड छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मीन से। तो इसमें जब मीन सबसे बड़ा है, इसमें मीन सबसे बड़ा है। अच्छा अब एक और बना लेते हैं, और वो भी स्केच बना देते हैं इसके थ्रू। ये नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव में ये मोड है क्योंकि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से आता है। ये मोड है, ये मीन है, मीडियन है, ये मीन है। मीडियन हमेशा बीच में होता है। तो इसमें छोटा क्या है, मीन छोटा है, इसमें मीन छोटा है। फिर मोड है। तो आप ग्राफ को देखकर मीन मीडियन मोड की लोकेशंस को बता सकते हैं कि ग्राफ आपका मीन मीडियन मोड को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कैसे हम मीन मीडियन मोड को दिखा सकते हैं इसमें। अच्छा इसी डेटा की एग्जांपल मैं अगर इसमें दिखा दूं आपको कि इस डेटा में यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ कैसे बनेगा, तो देखिए मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहा हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहा हूँ। ये हो गया और मैं इसका डेटा मॉडिफाई कर, अच्छा ये कंट्रोल सी हुआ ना, कंट्रोल सी यहाँ जो कंट्रोल वी, अब ये हो गया। अब देखें ये तो सिमेट्रिकल था, दोनों फर्क कैसे पता चलता है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर थी ना, ये मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उल्टी कर दी, ये 2 मैंने यहाँ लगा के ये 15 कर दिया, या मैंने यहाँ कर दिया 8 और यहाँ कर दिया मैंने 15 सबसे बड़ा, और फिर मैंने कम करना शुरू कर दिया, ये हो गया आपका 9 और ये अगर आपका हो गया 3, 4 और ये हो गया अगर आपका 3 और ये हो गया आपका 2, पूरे हो गए मेरे ख्याल से तो ठीक है। तो आप देखें अब जो हिस्टोग्राम बनेगा उस हिस्टोग्राम में बड़ी फ्रीक्वेंसीज पहले 8 है, छोटी फ्रीक्वेंसी, फिर एकदम 8 आ गया, 15 आ गया, और फिर फ्रीक्वेंसीज नीचे ग्रेजुअल कम होनी शुरू हो गई। तो फ्रीक्वेंसीज जो है ना इसकी शेप को बता रहे होते हैं, इसकी शेप कैसी होगी। और अगर मैं यही डेटा कॉपी करके नीचे ले आऊं और इसको उल्टा बना दूं इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को, कि यहां मैं बड़ी फ्रीक्वेंसीज रख दूं 15 इधर रख दिया मैंने और यहाँ 9 कर दिया, यहाँ 7 कर दिया, ये 3, 2, 1 कर दिया, ये जो फ्रीक्वेंसी जब आप देख रहे हैं देखिए ये बनेगी। तो हमारा डेटा की फ्रीक्वेंसीज को देखकर हम ग्राफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ग्राफ को देखकर हम मीन मीडियन मोड को सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि जब बेल शेप्ड होती है तो मीन मीडियन मोड सेम होते हैं, जब राइट स्क्यूड होता है तो मोड सबसे छोटा होता है, मीन सबसे बड़ा होता है, मीडियन बीच में होता है, और जब नेगेटिव स्क्यूड होता है तो मीन सबसे छोटा होता है, फिर मीडियन होता है और मोड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो रूल अप्लाई होता है उस रूल का नाम है चेबीशेव थ्योरम,
और इस पे जो रूल अप्लाई होता है उस रूल का नाम है एम्पेरिकल रूल। अब मैं इसके दो फार्मूलाज बस यहाँ स्लाइड से दिखाता हूँ, ये लेक्चर फिर वाइंड अप हो जाएगा। वो देखें क्या है, वो ये हैं। ये एक फार्मूला है मीन मीडियन मोड का, ये कब लगाते हैं फार्मूला, सिमेट्रिकल ना हो जब, जो नॉन सिमेट्रिकल हो उस वक्त लगाते हैं हम, ठीक है। तो नॉन सिमेट्रिकल में लगाने का मतलब क्या है, वो ये है, ठीक है, कि आपका या तो राइट स्क्यूड हो या आपका लेफ्ट स्क्यूड हो। तो अगर आपका राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड है तो आप ये कर सकते हैं। क्या कह रहा है फार्मूला आपसे, कि मीन और मोड का जो डिस्टेंस है, बराबर तो नहीं है देखिए मीन और मोड, देखिए मीन और मोड का जो डिस्टेंस है और मीन और मीडियन का जो डिस्टेंस है उनमें 3 times का डिफरेंस है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 3 times का डिफरेंस। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 times मीन माइनस मीडियन। इस फार्मूले का नाम क्या है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। बस यहाँ तक ये आज रखते हैं, अब आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम आज की क्लास यहाँ ख़त्म कर देते हैं। और अगली क्लास मेरी अभी हबीबुर रहमान साहब का फ़ोन आया था, उसको हम पूरा 2 घंटे की क्लास एक दिन में लेने के बजाय उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे। उसकी हम 1 घंटे की क्लास एक दिन लेंगे और बाकी 1 घंटे की क्लास हम अलग दिन में लेंगे। इससे एक लेंदी लेक्चर नहीं होगा, स्प्लिट लेक्चर होगा इसका। तो इसका टाइम टेबल हम अगले वीक में दे देंगे। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके तो वो पूछ लीजिए, बाकी मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी लगा दी हैं सारी की सारी, लेकिन उसमें मेरे पास व्यूज ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त 27 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ आ रहे हैं इसमें लेक्चर में, अब 27 में से जब मैं व्यूज देख रहा हूँ तो 5 या 6 व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों ने तो वो जो वीडियोस हैं वो अभी सुनना पसंद ही नहीं की हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, उसको समझिए और उनमें जो क्वेश्चन आंसर्स हों वो आप अगले लेक्चर में पूछ लिया कीजिए। और उसकी एक और भी वजह है, वो ये है कि अभी मैं थोड़ा सा लीनियंट हुआ था, असाइनमेंट्स नहीं दे रहा था। अब मैं असाइनमेंट्स अपलोड करूँगा तो आप लोगों को ये सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो वीडियोस आपको वहाँ दी गई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं ये वाली भी अपलोड कर दूंगा, आप उन वीडियोस को देखिए और वीडियोस को चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका फौरन आगे बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने वीडियो अपलोड की है या नहीं की है। तो ये सारे काम जो है वो आप करिए, ताकि अगली दफ़ा में जब हम कोई क्वेश्चंस या क्विज कर रहे हों तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। जी क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड कर दीजिए, अदरवाइज मैं मीटिंग को फिर स्टॉप कर रहा हूँ। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। बेटा यूट्यूब चैनल है जो मैं वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, रोहान से पूछ लीजिएगा, तो उस चैनल को फिर एक वीडियो आएगी वहीं से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा आपके पास, एक ही चैनल आप देखेंगे तो। अटेंडेंस के लिए सब लोग यस लिख के दोबारा से एक दफा कर दें ताकि मेरे पास फाइनल रिकॉर्डिंग आ जाए। सबकी हो गई अटेंडेंस, मीटिंग एंड कर दूं।